Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में इन दिनों हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की. पिछली कड़ी को देखें तो समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डिप्रेशन का कारण बनती हैं और डिप्रेशन के कई सारे लक्षण हैं. और सबसे बड़ी बात जो आज हमें समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है. बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है कि लंबे समय तक इलाज चलता है. और दूसरी बात ये कि अगर नहीं किया गया तो फिर ज़्यादा मुश्किल का कारण बनता है. एक और बात जो सामने आई थी वो ये कि इसका जो कारण है, डिप्रेशन क्यों होता है, उसमें हमारा कहीं ना कहीं जो अप्रोच है, जो हमारे थॉट्स हैं, उनका जो प्रोसेस है, उनके जो पैटर्न्स हैं, वो बहुत उसका असर पड़ता है. क्या होते हैं ये पैटर्न्स और क्या हम उनके बारे में अवेयर हैं और क्या उन पैटर्न्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, इन सब बातों पर आज बात करेंगे. हर बार कितना हमारे साथ हैं जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. आप दोनों का स्वागत. ओम शांति. डॉक्टर शर्मा, ये तो अब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि एक्चुअली जितना हम समझते जा रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में भी और अपनी हेल्थ के बारे में, कि जो भी हमारे मन में बोझ हैं उनको जब तक हम नहीं उतारेंगे तब तक हम एक हेल्दी और परफेक्ट लाइफ को नहीं जी पाएंगे. सो क्या कारण हैं जो हमें डिप्रेशन हो सकता है? डिप्रेशन चाहे बचपन में हो जो कि थोड़े रेयर हैं, चाहे एडोलेसेंस में हो जो कि थोड़े ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं, या एडल्टहुड में हो जो कि ज़्यादातर होते हैं, लेकिन उनका बीज जो है वो बहुत पहले डल चुका होता है. या तो आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, और अगर आध्यात्मिक रूप से कहा जाए तो शायद पुराने जन्मों का कुछ संस्कार हैं जो चलते आ रहे हैं, लेकिन कई संस्कार हैं जो बचपन से फिर हम धीरे धीरे अपने आसपास वालों को देखकर या जो हम सीखते हैं जीवन के बारे में दूसरों से वो बनाने शुरू करते हैं. वो जो पैटर्न्स हैं वो अगर बढ़ के हर चीज़ को एक नकारात्मक रूप से देखने का है, अगर वही किसी खास एक्सटर्नल प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो या कोई फिजियोलॉजिकल इलनेस हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो या जो आपकी वल्नरेबिलिटी है जेनेटिक की वो हो, तो वो एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर के रूप में आ सकता. लेकिन ऐसे बहुत बहुत लाखों करोड़ों एक्चुअली लोग हैं जो कि हर चीज़ के साथ किसी नेगेटिव प्रकार से जूझते नज़र आते हैं. कुछ पैटर्न जिसमें कि हमारा अपने बारे में जो सेल्फ कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं या सेल्फ एस्टीम है, उसमें नकारात्मक चीज़ें होनी शुरू होती हैं, उसका बीज डेफिनेटली बचपन में पड़ता है. कुछ परिवारों में या एक ही परिवार में कई बार दो अलग अलग बच्चों के लिए माँ बाप का जो रुझान है वो अलग होता है, उनसे डील करने का तरीका अलग होता है. या कई बार लड़कों और लड़कियों में भी हमारे समाज में अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा डिफरेंस देखा गया है कि आप बहुत अच्छे नहीं हो. ये जो सेंटेंस है वो उसके मन पे उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाता है कि मुझ में कुछ कमी है. अब वो डिफाइन नहीं हुई ना, वो माँ बाप से पूछ सकता है, लेकिन वो हर चीज़ उसी पैरामीटर से देखता है कि मुझ में कुछ कमी है, मैं अच्छा नहीं हूँ. फिर वो जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो अब हर जगह पे स्कूलों की रेस शुरू हो जाती है. तो अगर किसी जगह पे अच्छे स्कूल में बच्चा नहीं आया, किसी भी कारण से नहीं आया, तो कई बार माँ बाप का गुस्सा निकलता है. और वो गुस्सा इस रूप में भी निकलता है कि तुम वहां पे रो पड़े, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया. तो उसे लगता है कि मैंने अपने माँ बाप के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी शायद. या वो थोड़े से और बड़े होते हैं तो अगर वो कई काम नहीं करते, तुम तो ऐसे ही हो, तुम कभी सीखोगे नहीं, दूसरों को देखो. तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बच्चे को अपनी जो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको अपनी नज़रों में लो करता जाता है. साथ ही साथ अगर वो अपने परिवार में आसपास देखता है कि परिवार वाले किसी छोटी सी प्रॉब्लम से परेशान होने शुरू हो जाते हैं, तो उसको भी दुनिया का वही एक देखने का नज़रिया सामने आता है कि जब भी प्रॉब्लम हो इसका मतलब है जद्दोजहद, परेशान हो जाओ और घबरा जाओ क्योंकि उससे डील करना है.
और अगर मान लीजिए उसी परिवार में ये हो कि जब भी कोई थोड़ी सी भी कमी आएगी तो कई बार लोग कहना शुरू कर देते हैं, हाय आगे कैसे होगा, कैसे संभालेंगे, तो उसको हमेशा लगता है कि कोई भी छोटी प्रॉब्लम बाद में जाके एक बहुत बड़ी चीज़ का रूप ले सकती है। कई बार ये बीज और रूप से डलते हैं, ये कह के कि अभी ठीक नहीं करोगे तो आगे खराब हो जाएगा, या आगे जाके तुम्हें नहीं पता कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आनी है तो उसके लिए तुम्हें तैयार रहना है। कहा जाता है एक तरह से मोटिवेट करने को, लेकिन उसको जिंदगी जो है वो एक बहुत ही नकारात्मक ढंग से जीने के लिए सिखाई जाती है। प्लस कई तरह के वेस्ट पैटर्न्स, अगर हम बचपन में ही देखते हैं कि आसपास वाले एक ही चीज़ के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं दूसरों के बारे में, या सस्पिशियस हैं, तो वही चीज़ें वो भी बच्चा सीखता। वही पैटर्न्स एडोलेसेंस में भी चलते हैं। कुछ बच्चों में हो सकता है एज अ पर्सनैलिटी ज़्यादा डेवलप हो कंपेयर टू अदर्स, और एडोलेसेंस में जबकि आमतौर पे अब एक कॉम्पिटिशन से का माहौल है, आपके नंबर कितने अच्छे आए, आपकी बॉडी कैसी है, आप किस तरह के कपड़े डालते हो, आपकी क्या क्या स्किल्स हैं, अब तो कई जगहों पे कि आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ में आप कितना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप कितना हिस्सा लेते हो, वो डिफाइन करता है कि आप कैसे हो। वो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम है, कई बार लोगों में सालों साल तक इस तरह के नकारात्मक विचारों को चलते रहने की वजह से नेगेटिव हो जाती है, और उन्हें हमेशा ये लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो शायद उससे डील नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इनमें से हर व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा, लेकिन एक सब क्लिनिकल डिप्रेशन जिसको कहते हैं, हर चीज़ को नकारात्मक रूप से देखना, डर जाना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा एनर्जीज वेस्ट करना, पास्ट के बारे में सोचते रहना, फ्यूचर के बारे में डरते रहना, ये जो चीज़ें हैं वो उनमें चलती रहती हैं। और फिर मान लीजिए एक्चुअली बाहर से कोई बड़ा स्ट्रेस आ जाए या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर आ जाए तो फिर एक एक्चुअल डिप्रेशन का दौर शुरू हो सकता है, और वहाँ पे वो व्यक्ति डिप्रेशन का एक बीमारी के रूप में या एक डिसऑर्डर के रूप में सामना कर सकते हैं। इफ इट इज सो डैमेजिंग, यू नो, लाइक फॉर अस, व्हाई वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, एक पहली चीज मुझे पूछनी है, क्योंकि इस पर अब कितनी बात की जा चुकी है। दूसरा ये कि आज अगर वो पैटर्न बन गया है तो क्या मैं इस उम्र में आके या किसी भी उम्र में आ जाके उसे ब्रेक कर सकती हूँ? वेरी ट्रू, जैसे आपने कहा, ये हम इतने सालों से हम ये बोलते आए हैं, एंड टुडे सडनली वी आर बीइंग टोल्ड, यू नो, कि जो हम अपने बच्चों को कह रहे हैं वो सही नहीं है। बट इफ़ आई जस्ट रिफ्लेक्ट बैक, हम कहेंगे हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसे ही बोला था, उनके पेरेंट्स ने भी ऐसे ही बोला था, उल्टा आज के पेरेंट्स तो काफी कोशिश करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम तो बोल भी देते थे, हाथ भी उठा देते थे, क्या कुछ हो जाता था, फिर भी तब डिप्रेशन कम था, आज तो इतना आराम आराम से संभल संभल के चला जा रहा है, फिर भी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ठीक है, ये एक फैक्टर को अगर आप देखें कि ये वो भी बोलते थे, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और ऐसे फैक्टर्स हैं आज के बच्चों के लिए जो वो वाले पेरेंट्स या वो वाले बच्चों के पास उस टाइम नहीं थे। सी, आज डिप्लीटर, हर सोल को कोई चीज़ें डिप्लीट करती हैं, कई चीज़ें उसको एम्पावर करती हैं, दोनों चीज़ें हैं ना। जब हम एक जॉइंट फैमिली में, मदर 24/7 घर पर है, घर का खाना बन रहा है जिसमें बहुत अच्छी वाइब्रेशन है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आत्मा को एम्पावर करती थी, सबका प्यार, अप्रिसिएशन, फिर बीच में किसी की क्रिटिसिज्म भी, किसी का ये कंपैरिजन भी, ऐसे बोलना कि वो तो देखो उससे बेटर है, तो हमें दोनों चीज़ें मिल रही थी, बहुत सारी एम्पावरमेंट भी मिल रही थी लेकिन क्रिटिसिज्म भी मिल रही थी, तो समवेयर वी वर एबल टू टेक इट। लेकिन आज के समय में बहुत सारी चीज़ें जो पहले हमें या हमारे पहले वाले जेनरेशन्स के बच्चों को मिल रही थी वो आज के बच्चों को नहीं मिल रही है। सो इमोशनल स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल टुडे इज़ डेफिनेटली वीकर कंपेयर टू पहले। अच्छा, प्रेशर्स भी, चाहे वो एजुकेशनल, चाहे वो करियर वाइज, जो आज के लोगों पर हैं वो पहले नहीं थे, तो वो डिप्लीटर भी नहीं थे। मदर फुल टाइम घर पर थी, घर का खाना बना हुआ मिलना, आज खुद जाके फ्रिज से निकाल के खाना, माइक्रोवेव से खाना या बाजार का खाना
वी आर नॉट गेटिंग द इमोशनल स्ट्रेंथ. ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो मैं आत्मा इमोशनली थोड़ी सी वीक हूँ, तो अब मेरे पर हर एक बात का प्रभाव पहले से ज़्यादा पड़ने वाला है. अब वो क्रिटिसिज्म तो पहले वाली ही है लेकिन ताकत पहले वाली नहीं है, तो फिर मुझ आत्मा के अंदर वो क्रिटिसिज्म जल्दी असर करती है. मीडिया आज बहुत सारे और चीज़ें हमारे सामने रख रही हैं, जैसे कहा कि बॉडी इमेज. तो अब हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है कि ऐसे होना चाहिए, दिस इज़ द राइट, दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड लाइक्स. तो टू जनरेशन्स पहले वो मीडिया नहीं था. सो वी हैव टू सी क्या चीज़ प्लस हुई, क्या चीज़ माइनस हुई, एंड फिर उसके हिसाब से थोड़े थोड़े तरीके बदलने पड़ते हैं. राइट फ्रॉम द वोम्ब ऑफ द मदर, बच्चा जब पैदा हुआ तो ठीक है, लेकिन जैसे कहा कि कोई भी बात घर में आई तो अगर हमें एंग्जाइटी क्रिएट करना है, तो जब माँ के गर्भ में है बच्चा, ये तो वो संस्कार शायद तब से मिल रहा है उसको. यू नो, इवन प्रेगनेंसी की एंग्जाइटी, या अब मैं बच्चे को कैसे संभालूंगी, या मेरा करियर, या फैमिली का स्ट्रेस, तब से ही वो बच्चा वो वाइब्रेशंस ले रहा है. एंड ऑफ कोर्स फिर कंपैरिजन, यू नो, जैसे डॉक्टर अवधेश ने कहा कि तुम उतने अच्छे नहीं हो. कई बार हम ये नहीं भी कहें लेकिन हम दूसरे को कह देते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो. तो वो मतलब तो यही हुआ ना कि फिर मैं अच्छे नहीं हूँ, बिकॉज वी डोंट रियलाइज कि जब हम एक को अप्रिशिएट करते जा रहे हैं जो दूसरा साइलेंटली सुन रहा है, वो तो फिर यही मीनिंग उसमें से निकालेगा कि ये बेटर देन मी. एंड उसमें भी मीनिंग जो उनको मिलता है कि मेरे पेरेंट्स उससे ज़्यादा प्यार करते हैं. सो आई स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी लो एंड नॉट वर्दी, क्योंकि जिस बच्चे के अंदर ये फीलिंग आती है आई एम नॉट वर्दी ऑफ माई पेरेंट्स लव, यू नो, एंड पेरेंट्स लव द अदर पर्सन मोर. एंड फिर अगर ऐसे ही चलता रहा, ये बच्चा जब 25 साल का होगा, इफ़ दैट चाइल्ड फेसेस अ रिजेक्शन इन अ रिलेशनशिप, तो उसके लिए वो सिचुएशन विल बी मच मच बिगर कंपेयर टू समवन हु हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग चाइल्डहुड एंड अ होल स्ट्रॉन्ग 25 ईयर्स. तो ये अगर हम एज पेरेंट्स समझें, और अगर हमारा पैटर्न बन भी गया, अब ना वी डू अ लिटिल रीवर्क ऑन दैट कि ठीक है मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बोला था लेकिन उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, लेकिन बात करने के तरीके में मोटिवेशन था लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी क्रिटिकल थी, तो अब अपने आप की, नॉट इफ आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन तब आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, बट अ नॉर्मल व्हेन आई एम एब्सोल्युटली फाइन. ओनली थिंग इज सिस्टर शिवानी कि यू आर नॉट इवन अवेयर कि तुम्हारा ये पैटर्न बना कैसे है. लेकिन अब एटलीस्ट वी कैन बी अवेयर कि किसने, सी वी कुड बी कैरिंग दिस पैटर्न फ्रॉम पास्ट बर्थ. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि पास्ट बर्थ का संस्कार एक बहुत 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 पावरफुल संस्कार होता है आत्मा पर. कई लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं, उनका अपब्रिंगिंग बहुत अच्छा था, उनकी इस टाइम के एनवायरनमेंट में एवरीथिंग इज़ मोर और लेस ओके, लेकिन संस्कार है लो फील करने का, नहीं आई एम नॉट गुड, नहीं समवेयर दे आर कैरिंग. लेकिन उसमें भी अगर हम अपने ऊपर वर्क करते हैं काउंसलिंग से, स्पिरिचुअलिटी के साथ, कि अपनी थिंकिंग प्रोसेस को धीरे धीरे, लेकिन वो वन डे टू डे में नहीं होगा कि आप एक बार किसी से मिले, यू नो, सम जैसे हमें इतने सब लोग मिलते हैं, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये मेरी प्रॉब्लम है, हम एक बार आपसे मिल लें, लेकिन एक बार मिलने, लेकिन एक बार मिलने से यू कैन चेंज अ थिंकिंग पैटर्न. एंड वैसे भी कोई किसी और का थिंकिंग पैटर्न नहीं चेंज कर सकता, उनको वो कांस्टेंट इनपुट लेना होता है. अब जब हम सेंटर पर आते हैं, जैसे व्हाट आई हैव सीन, हम जब ब्रह्मा कुमारीज में सेंटर पर आते हैं, हम हर रोज़ सुबह परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो हमें मिलता है कि यू आर अ प्योर ब्यूटिफुल 100% प्योर सोल, हर आत्मा. अब इवन इफ आई एम थिंकिंग वेरी नेगेटिव अपने बारे में, लेकिन धीरे 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 पास्ट पैटर्न के ऊपर एक न्यू पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि ये सब तुम्हारे अक्वायर्ड संस्कार हैं, लेकिन ओरिजिनली तुम आत्मा इस तरह की हो. सो स्पिरिचुअलिटी हमें अपने आप का ही असली परिचय दिलाती है, लेकिन वो डेली, कभी कभी से नहीं, डेली. वो अगर पेरेंट्स ने कभी कभी कहने से कुछ पैटर्न्स बने, तो यहाँ से जब डेली इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो पैटर्न्स चेंज होते हैं. एंड धीरे धीरे हमें अपनी ट्रू आइडेंटिटी वो समझ में आती है. मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें परमात्मा का परिचय जब मिलता है तो
बहुत सारे लोगों में हमने देखा है एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अ सेंस ऑफ बीइंग वर्दी कि आई एम एक्सेप्टेड बाय गॉड यू नो इवन इफ द वर्ल्ड डिडंट एक्सेप्ट मी मुझे परमात्मा में जो हूँ जैसा हूँ वैसे स्वीकार करते हैं ये हमारे स्वमान को बहुत ऊंचा लेकर जाता है एंड फिर वो पुराने पैटर्न्स कई बार धीरे धीरे पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएंगे एंड अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग विल बी देयर कई लोग बोलते हैं कि 40 डेज तक अगर आप एक थॉट क्रिएट करते हो तो नया पैटर्न बनता है सो हाउ एक्चुअली आर दीज पैटर्न्स फॉर्म्ड जब पैटर्न्स को समझ लेते हैं एक्सेप्ट करने के बाद कि इसकी वजह से मुझे कष्ट होता एंड द इजीएस्ट वे इज टू चेक आउट कि जब मुझे एक चीज सोचने से अंदर इमोशनली डिस्टर्बेंस होती है भारीपन लगता है एंग्जाइटी होती है उदासी होती है तो इसका मतलब मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हूँ तो अब मुझे उसको चेंज करके नया वाला क्रिएट करना कई लोग इसमें कहेंगे कि नया वाला है अगर क्रिएट कर रहे हैं तो अगर मैं ऐसा हूं ही नहीं झूठ बोल तो करते मैं ना? अपने आप को ट्रिक कर रहा हूँ मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ बट द फैक्ट इज कि हम हर समय हर चीज में से जो अपने लिए सही है उसे चुन सकते हैं अगर मैं ये समझता हूँ कि मैं छोटा हूँ साइज में तो ब्रेन में हो सकता है छोटा ना हो अगर दिखने में सो कॉल्ड सुंदर नहीं हूँ हालांकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से सुंदर होता है अगर किसी को लगता है तो आपकी और स्किल्स हो सकती हैं जिंदगी में कई डायमेंशंस हैं फिजिकल भी है मेंटल भी है सोशल भी है जो आपने पढ़ा है वो भी है जो आप काम करते हैं वो भी है जो आपकी रिलेशनशिप बनाने की स्किल्स हैं वो भी है जो आपकी स्पिरिचुअल लीनिंग्स है वो भी है जो आपके आसपास के लोग हैं जो एसेट्स हैं एक तरह से आपके वो भी हैं तो हर किसी क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ अपने लिए तो मिल जाएगा ना जो कि ठीक है आपके हिसाब से भी तो एटलीस्ट वहां से शुरुआत करें आमतौर पे क्या होता है जो व्यक्ति की नेगेटिव सोच चल रही है वो जो सबसे खराब उसको लगता है उस पर इतना समय बिताया गया है कि उसको सिर्फ वही अपनी जिंदगी में नजर आता है और कुछ चीजें नजर नहीं आती हैं जो ये 40 दिन का पैटर्न कहा गया है उसका एक मीनिंग ये है कि कुछ समय तक आपने जब एक ही तरह की चीज को सोचा और जो उससे ऑपोजिट है उसको नहीं सोचा तो माइंड के अंदर एक नई तरह की थिंकिंग पैदा होगी हालांकि अगर मान लीजिए आपने 6 महीने भी वैसा सोचा और फिर पुराने पैटर्न पे आ गए तो कुछ देर के लिए उभर सकती है लेकिन अब उसको फिर से कंट्रोल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा एंड बाय एंड लार्ज अगर एक एक करके आप वो करना शुरू करते हैं और फिर उससे जो आपको प्राप्ति होती है मान लीजिए आपने एक अच्छी तरह से चीज सोची और उससे दूसरे को खुशी मिली और उसने आपको थैंक यू कहा तो उसको भी याद रखें और फिर ये भी याद रखें कि इस चीज़ को बदलने से मुझे ये फायदा हुआ दूसरों को ये फायदा हुआ एंड नाउ आई फील एम्पावर्ड क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी सेल्फ एस्टीम आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ इमेज वो इम्प्रूव होनी चाहिए तो जब वो इम्प्रूव होती है तो जब आपके सामने कोई और स्ट्रेस आता है देन यू रिमेंबर कि मेरे पास कुछ पावर्स हैं इनेटली भी थी लेकिन मैंने उन्हें डेवलप भी किया है तो मैं सक्षम हूँ डिप्रेशन में जाते वक्त ज्यादातर लोगों की शुरुआत यहाँ से होती है जब उन्हें लगता है दैट दे आर नॉट इन कंट्रोल हेल्पलेस हो जाते हैं जब वो हेल्पलेस होते हैं तो वो फ्यूचर के लिए होपलेस हो जाते हैं और उस वजह से वो कुछ करना ही नहीं चाहते बिकॉज उन्हें लगता है कि जो करेंगे वो शायद वो पूरी तरह से कर ही ना पाए सो अगर वहां से एक शुरुआत होती है तो फिर पैटर्न बदलने शुरू होते हैं एंड व्हाट हैज आल्सो बीन रियलाइज्ड कि लोग अपने वे ऑफ थिंकिंग को पूरी तरह से चाहें तो पूरी तरह से बदल सकते हैं चाहे उनका दूसरों के बारे में अपने बारे में या ब्रह्मांड के बारे में जो भी विश्वास हो क्योंकि एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे Everything in life is concepts. अगर हम अपने ऊपर वो काम करना शुरू करते helps you in building what is called as a resilient personality. जिसका मतलब ये है कि हर समय जब भी कोई बाहरी चीज आएगी तो मैं उसको अलग रूप से रिस्पॉन्ड करूंगा अंदर के जो अपने नकारात्मक विचार हैं उनके बारे में अलग सोच रखूंगा
और इस वजह से जो मेरा अपने को देखने का ढंग है, दूसरे को देखने का ढंग है, और फ्यूचर को देखने का ढंग है, और विश्व को देखने का ढंग है, वो सकारात्मक हो जाएगा। और जब वो होता है तो हमारे डिप्रेशन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और जो हम साइलेंटली एक लो फेज को सफर करते हैं उससे इम्प्रूव होके हम एक खुशनुमा रूप से जीवन बिता सकते। बार बार हमारे सामने ये तो आ रहा है कि इट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल, है ना, एक थॉट जो आपको अनकम्फर्टेबल फील करे। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है कि वो आपको अब अनकम्फर्टेबल भी, अगर आप है आपको कहीं अनकम्फर्टेबलनेस है, वो भी आपको अनकम्फर्टेबल अपेरेंटली नहीं है। यू नो इट इज़ यू, जैसा कि बार बार बात हो रही है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी बन गई है, उसको परखना कि ये मेरे पैटर्न्स हैं जो मुझे बार बार रिपीटेशन में आ रहे हैं, हाउ विल दैट बी पॉसिबल? सी मे बी जब सब कुछ ठीक है तब शायद हम नहीं देख पाते उस पैटर्न को। लाइक लेट्स से मुझे पैटर्न है लो सेल्फ एस्टीम, तो अब ये हमें बहुतों में दिखाई देता है जिनको लोगों की अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत महसूस होती है, एंड जो मतलब आपको ये बहुत ज्यादा संख्या में इस टाइम दिखेगा। हाँ, लोग क्या कहते हैं इस लाइक अंडरलाइन, लोग क्या कहते हैं, एंड हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं लोगों को प्लीज करने के लिए, क्योंकि लोगों को प्लीज करेंगे फिर लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, एंड अगर लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, अप्रूव करेंगे, देन आई एम अ गुड पर्सन। नो, देन आई एम नॉट जस्ट फीलिंग गुड, देन आई एम अ गुड पर्सन। सो जस्ट टू टेल माई सेल्फ दैट आई एम अ गुड पर्सन, I need other people to tell me that I'm a good person. And इसलिए मैं लोगों, तो this can go on for many many years. And हमें नहीं लगेगा कि इसमें कुछ गलत है. And in fact हम अपने आप को कहेंगे कि मुझे तो अच्छा लगता है कि लोगों को खुश करना, मतलब खुश करना means आपके लिए ये करना. I don't even realize कि ये मैं actually आपके लिए नहीं कर रही, ये मैं अपने आप के लिए कर रही हूँ. लेकिन हम अपने आप को भी हम अवेयर नहीं है कि ये हम अपने आप के लिए कर रहे हैं. तो हो सकता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारे अंदर ये पैटर्न है, और अगर है तो हम उसको भी लेबल करेंगे कि ये एक अच्छा पैटर्न है, कि ये अच्छा पैटर्न है औरों के लिए सब करना, विदाउट रियलाइजिंग कि हम अपनी किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ये कर रहे हैं. लेकिन जब कोई बात आएगी, विच मीन्स जिस दिन मुझे किसी का अप्रूवल नहीं मिलेगा, या अप्रूवल की बजाय मुझे किसी का क्रिटिसिज्म मिल जाएगा या किसी से रिजेक्शन मिल जाएगा, उस दिन आई विल बी एबल टू सी कि इसका मेरे ऊपर जल्दी असर पड़ता है कंपेयर टू शायद मेरे आसपास जो थे उनको तो फर्क नहीं पड़ा उस बात का इतना. दैट इज़ द टाइम टू वेक अप, मुझ पर क्यों इतना असर पड़ा इस बात का. एंड और कुछ नहीं तो उस टाइम ही से हम अपनी थिंकिंग को चेंज करें, चाहे किसी और से बात करके. यू नो, अगर उन्होंने कह भी दिया आपको कुछ, क्रिटिसाइज कर भी दिया, तो इट्स नॉट अबाउट यू. हो सकता है उनकी वो क्रिटिसाइज करने की नेचर है, या उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी. मतलब उस टाइम उस फेस को भी ना चलने दे ज़्यादा टाइम. और कई बार ये थोड़े से बड़े रिजेक्शन के रूप में आएगा कि आपको ऑफिस में सीनियर से मिला, रिश्ते में मिला, हस्बैंड से मिला, एक न्यू मैरिज में मिला. तो वी लिव विद इट, and we can live with it for very long, and tab jaake wo kabhi kabhi phir ye bimari ka bhi roop mil sakta hai. To agar jab aap normal feel kar rahe hain, matlab udaas nahi feel kar rahe, tab nahi bhi pata chale, lekin jis time thoda sa udaas feel karte hain, us time checking kar sakte hain ki mujhe kis baat ka hurt hua, mujhe kya unki baat buri lagi, and was it about them or was it about me, ki meri aaj koi need jo satisfy nahi hui. तो धीरे धीरे, दिस इज़ अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, ऐसे भी नहीं कि ये एकदम से हो जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे. और ये हम सबको फील होता है कभी ना कभी, किसी ना किसी के साथ, किसी ना किसी रिश्ते में, कि आज मुझे क्यों हर्ट हुआ, मेरी कौन सी नीड सेटिस्फाई नहीं हुई थी, मुझे इस बात का ध्यान रखना है. उस टाइम पर अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं कि भले उन्होंने ऐसा कहा, उनका भाव ये था, आई डिड माई बेस्ट, यू नो, वट एवर दैट इज सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन. एंड अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी और से बात कर सकते हैं, वो हमारी थिंकिंग पैटर्न को उस टाइम पे चेंज करने में हमारी हेल्प करेंगे. अदरवाइज साइलेंटली तो हम उसके साथ बहुत टाइम फिर मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बन जाता है. एक्चुअली इट जस्ट गोज ऑन, इट्स जस्ट गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली. मुझे जितना नहीं मिलेगा उतना मुझे उसकी क्रेविंग
और ज्यादा होने लगेगी एंड समटाइम्स मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ टू डू दैट. देयर आर लॉट ऑफ यूथ टुडे जो गलतियाँ कर रहे हैं, उन्हें पता भी है वो गलती कर रहे हैं, या बाद में उन्हें पता रियलाइज होता है कि उन्होंने गलती की, बट दे डिड इट ओनली फॉर अप्रूवल. सिर्फ किसी के अप्रूवल के लिए उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें की हैं. तो यू नो ये नीड फॉर अप्रूवल हमें हमसे कई बार बहुत कुछ करा देती है, जिसका फिर गिल्ट. तो पहले वो अप्रूवल की एडिक्शन, फिर गिल्ट. इट्स ऑलवेज समथिंग लाइक दिस जो फिर ट्रिगर होगा. उस पे काम हम हमें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की भी जरूरत है, काउंसलर की जरूरत है, या हम खुद भी कर सकते हैं? वो काम हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जरूरत यह हो जाती है कि हमें खुद भी ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा. क्योंकि हमें कई बार अपने ही विचारों के साथ हाँ ना करने की इतनी आदत पड़ जाती है कि हम एक तीसरे व्यक्ति के रूप में उसे देख नहीं पाते. सो एज एन ऑब्जर्वर अगर हम खुद कर पा रहे हैं, और इसमें कई बार लिखने में भी मदद हो सकती है, कुछ लोग रिकॉर्ड करके भी कर सकते हैं, आज के समय में टेक्नोलॉजी की मदद से भी कुछ लोग टाइप करके उसको स्टोर कर सकते हैं कि मैं क्या बदलना चाहता हूँ, और फिर उसको सैम्पलिंग की कुछ समय के बाद कि वो बदला कि नहीं बदला, और अगर नहीं बदला तो किस कारण से नहीं बदला. लेकिन कई बार एक बहुत जो सुलझा हुआ व्यक्ति है वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है. हालांकि कई बार इंसान ऐसे समय में सही फ्रेंड कोई है भी या नहीं उसका आंकलन भी नहीं कर सकते, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद समबडी उसके साथ, और अगर ना हो और ये बहुत समय से चल रहा है, तो फिर किसी काउंसलर की या किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की, किसी साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ली जा सकती है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब इन चीज़ों का आप पे बर्डन कम होगा तो आगे की जिंदगी सुखद होगी. बहुत इम्पोर्टेंट बात आज हमने इन पैटर्न्स के बारे में की. डॉक्टर अवधेश शर्मा, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. If a child sees his parents creating anxiety, fearing the future, having waste and negative conversations, then he learns that particular way of being. These become his patterns of negativity as he grows up. If we have had negative patterns of thinking for a long time, creating worry over small issues, anxiety about the future, not feeling worthy enough, then if there is an external crisis, it becomes a precipitating factor for us to have depression. Signs of low self-esteem are getting hurt easily by others' behavior, feeling insulted, seeking approval and appreciation from others to feel good about the self. Spiritual intake that we are a pure, beautiful soul, child of God, loved and accepted by God unconditionally. This new daily information creates new patterns of thinking. The old negative patterns of low self-esteem get erased. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660. Om Shanti.